अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आपको पता है कि आज एमएलओ का केस था और जज साहब को ये आज रियलाइज़ हुआ कि माँ बाप के साथ बच्ची की मुलाकात ही नहीं हुई। तो मैं जज साहब का बहुत मशकूर हूँ कि जज साहब ने ये रियलाइज़ करते हुए हमें इंस्टेंटली मुलाकात लो की है। कल जो बच्ची से हमारी मुलाकात है 6 महीने के बाद, कल इंशाल्लाह 12 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग है और हमें हमारी बच्ची से मुलाकात होगी। इस सिलसिले में मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब ने अपनी अपनी एफ़र्ट्स इस सिलसिले में की, और आप तमाम मैं पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मेरे लिए भरपूर दुआएँ की, जिनकी वजह से आज ये दिन पॉसिबल हुआ। ये मकसद नहीं कल जाने का कि कल हम गए और 5 मिनट बच्चे ने कह दिया मैं घर आना चाहती हूँ, मामला खत्म हो गया। एक बच्चा एक ट्रॉमे से गुजरा है, हम सब बच्ची का साइकोसोलॉजी करने का लेसन बना रहे हैं। ट्रॉमे का मतलब है कि बच्चा हो सकता है इस कैफियत में ना हो उस वक्त, क्योंकि वो सुलझे के फैसले कर सके इस तरफ या उस तरफ। तो हम वक्त देना चाहते हैं, हम फिलहाल जाते हैं जो कुर्बतें हैं, जो मोहब्बतें हैं, जो एतमाद है वालदैन और औलाद के बीच में होता है वो, और जो वसवसे जो झूठ उसको बोले गए हैं, जो डर और खौफ पैदा वालदैन के हवाले से, वो दूर हो, वो मुलाकात से ही दूर होगा। बाकी वो अगले हफ्ते या उसके अगले महीने या उसके अगले महीने जब वो फैसला करती है। हम जिद या जोर या जबरदस्ती करने नहीं जा रहे, इसलिए आज हमने अदालत से खुद कहा कि जी हमें कोई इतराज नहीं है, अगर कोई जज साहब मौजूद हो मीटिंग के दौरान हमें उससे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हम बच्ची का ब्रेन वॉश करने नहीं जा रहे। हम बस बच्ची को ये बात बावर कराने जा रहे हैं कि तुम्हारे वालदैन जिंदा हैं और तुमसे आज भी मोहब्बत करते हैं, हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। हमारा भला मुलाकात ये वन टाइम होगी या कभी भी? कल एक मुलाकात है, उसके बाद जज साहब से ही कहा है कि रिपोर्ट जमा कराएं फर्दर मुलाकातों के हवाले से। और फिर आपको ये भी पता है कि जो ऑलरेडी मैटर चल रहा है ट्रायल कोर्ट के अंदर विजिटेशन का गार्डियन का, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है ऑल टुगेदर। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ अदालत का, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि 6 महीने से मेरी बच्ची से कोई भी मुलाकात नहीं हुई, जो एक 2-3 मिनट की जो मुलाकात थी उसे मुलाकात नहीं कह सकते। और वो अभी 6 महीने के बाद बच्ची अपनी बहनों से मिलेगी कल, मुझसे मिलेगी, माँ से मिलेगी। ये मैं चर्चा का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ लोगों का, मैं कि उन्होंने स्पेशली हमें परमिशन ग्रांट की कल के लिए, और न सिर्फ मेरे पास की परमिशन ग्रांट की बल्कि एक उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस की परमिशन ग्रांट की, और उसके लिए एक जस्ट साइकोलॉजिस्ट की जिसकी एक मीटिंग नहीं है, 15 डेज़ का टाइम है, उसमें वो मल्टीपल विजिट्स कर सकते हैं और एनालिसिस बनाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक मुलाकात में साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है वो नतीजे तक पहुंचना मुश्किल होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। बाकी मैं बहुत अगलिया का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं अगलिया की चौखट पर बैठा हूँ, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, और पाकिस्तान की अदलिया पर मुझे एतमाद था और है, तभी मैं अदलिया के पास आता हूँ। और आज जैसे तो बच्ची को क्या क्या पसंद है, क्या क्या लेके जाएंगे कल आप? देखिए, बच्ची को जो खाने पीने की चीज़ें पसंद हैं वो पिज़्ज़ा खाती थी, इसके अलावा वो बच्ची अपने वालदा के हाथ के पराठे खाती थी। अगर वो हमें अलाउ हुए तो हम साथ सब चीज़ें लेके जाएंगे, उसके अलावा जो उसे डालीज वगैरह पसंद थी वो लेके जाएंगे। बच्ची के लिए जो हम बना के खाने के लिए चीजें लेके जाएंगे उसके लिए क्या होगा? जज साहब ने कहा था कि जी वो हम नेक्स्ट डेट पे देखेंगे, उसके ऊपर उन्होंने हाँ या ना का तबसरा नहीं कराया कि मुलाकात जरूरी है कि नहीं जरूरी है। वो जो एप्लीकेशन जब की बात होगी तो उसको उस स्टेज के ऊपर सवाले से हम काउंटर का चैलेंज करेंगे। फिलहाल हम आज कम से कम जो हमें रिलीफ मिला है उसको तो हम शुक्र कर सकते हैं। दूसरी चीज जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है और ग्राउंड रिकॉर्ड नहीं आई है वो विल टेक इट अप व्हेन इट कम्स। अच्छा मोदी साहब, ये बताएं कि यहाँ चंद मिनट की मुलाकात हुई थी आपसे, फिर आपने दावा किया था कि बच्ची आपके साथ जाने के लिए तैयार है, अब आप कितने पुरउम्मीद हैं कि इस मुलाकात के बाद बच्ची आपके साथ जाने के लिए तैयार हो? देखिए, जब बच्ची का फैमिली के साथ इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है जिस तरह आपने उस केस में देखा, तो मेरा ख्याल है कि दिमाग में और फिर दूसरी पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो जब बच्ची से मुलाकात होगी तो डेफिनेटली बच्ची के दिल में अगर कोई खौफ है तो वो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जी, तो बच्ची के दिल में अगर कोई खौफ होगा तो वो डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने जिन लोगों के साथ रही वो उसको उसकी दिमाग कशी करते रहे और डेफिनेटली वो असरअंदाज हुई इन चीज़ों के ऊपर। और यहाँ पे तो ये आप इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरी मुलाकात
10 मिनट की मुलाकात लो ही थी, जिसमें से 5 मिनट तलाशी लेने में, और उसके बाद वो जो मुलाकात के अंदर 15-20 पुलिस अहलकार खड़े रहे, खवातीन भी और मर्द भी थे। तो उस मुलाकात में बच्ची अगर जाने के लिए तैयार होगी तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है। इस चीज़ को समझिए कि ये मकसद नहीं कल जाने का कि कल हम गए और 5 मिनट बच्ची ने कह दिया मैं घर आना चाहती हूँ, मामला खत्म हो गया। एक बच्चा प्रॉमिस से गुजरा है, हम सब बच्ची का साइको सोनोलॉजी करने का लेसन बना रहे हैं। प्रॉमिस का मतलब है कि बच्चा हो सकता है इस कैफियत में ना हो इस वक्त, क्योंकि वो सुलझे के फैसले कर सके इस तरफ या उस तरफ, तो हम वक्त देना चाहते हैं। हम फिलहाल जाते हैं जो कुर्बतें हैं, जो मोहब्बतें हैं, जो एतमाद है वालदैन और आपके जिसमें होता है वो, और जो वसवसे जो झूठ उसको बोले गए हैं, जो डर और खौफ पैदा किया वालदैन के हवाले से, वो दूर हो, वो मुलाकात से ही दूर होगा। बाकी वो अगले हफ्ते या उसके अगले महीने या उसके अगले महीने जब वो फैसला करती है, हम जिद या जोर या ज़बरदस्ती करने नहीं जा रहे। इसलिए आज हमने अदालत से खुद कहा कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर कोई जज साहब मौजूद हो मीटिंग के दौरान हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हम बच्ची का ब्रेन वॉश करने नहीं जा रहे, हम बस बच्ची को ये बात बावर कराने जा रहे हैं कि तुम्हारे वालदैन जिंदा हैं और तुमसे आज भी मोहब्बत करते हैं, हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। अच्छा, हमारा भला मुलाकात ये वन टाइम होगी या कभी? पहले एक मुलाकात है, उसके बाद जज साहब से ही कहा है कि रिपोर्ट जमा कराएं फर्दर मुलाकातों के हवाले से। और फिर आपको ये भी पता है कि जो ऑलरेडी मैटर चल रहा है ट्रायल कोर्ट के अंदर विजिटेशन का, गार्डियन का, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है ऑल टुगेदर। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ अदालत का, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि 6 महीने से मेरी बच्ची से कोई भी मुलाकात नहीं है, जो एक 2-3 मिनट की जो मुलाकात थी उसे आप मुलाकात नहीं कह सकते। और वो अभी 6 महीने के बाद बच्ची अपनी बहनों से मिलेगी, कल मुझसे मिलेगी, माँ से मिलेगी। ये मैं जैसा का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है कि उन्होंने स्पेशली हमें परमिशन ग्रांट की कल के लिए, और न सिर्फ हम मुलाकात की परमिशन ग्रांट की बल्कि एक उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस की परमिशन ग्रांट की, और उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट की जिसकी एक मीटिंग नहीं है, 15 डेज का टाइम है, उसमें वो मल्टीपल विजिट्स कर सकते हैं और एनालिसिस बनाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक मुलाकात में साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है वो नतीजे तक पहुंचना मुश्किल होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। बाकी मैं बहुत अगलिया का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं अगलिया की चौखट पर बैठा हूँ, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, और पाकिस्तान की अगलिया पर मुझे अहतमार था और है, तभी मैं अगलिया के पास आता हूँ। और आज बच्ची को क्या क्या पसंद है, क्या क्या लेके जाएंगे कल आप? देखिए, बच्ची को जो खाने पीने की चीज़ें पसंद हैं वो पिज़्ज़ा खाती थी, इसके अलावा वो बच्ची अपने वालदा के हाथ के पराठे खाती थी। अगर वो हमें अलाउ हुए तो हम साथ सब चीज़ें लेके जाएंगे, उसके अलावा जो उसे डालीज वगैरह पसंद थी वो लेके जाएंगे। बच्ची के लिए जो हम बना के खाने के लिए चीज़ें लेके जाएंगे दी जाए, उसके लिए क्या होगा? उसके साहब ने कहा था कि जी वो हम नेक्स्ट डेट पे देखेंगे, उसके ऊपर उन्होंने हाँ या ना का तबसरा नहीं कराया कि मुलाकात जरूरी है कि नहीं जरूरी है। वो जो एप्लीकेशन जो जगहों की बात होगी तो उसको उस स्टेज के ऊपर सवाले से हम काउंटर का चैलेंज करेंगे। फिलहाल हम आज कम से कम जो हमें रिलीफ मिला है उसको तो हम शुक्र कर सकते हैं। दूसरी चीज जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, ऑन ग्राउंड रिकॉर्ड नहीं आई है, वो विल टेक इट अप व्हेन इट कम्स। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है, हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।